गुरुग्राम में नवीन जैन ने प्रेस वार्ता कर भगवान परशुराम जयंती का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को रोहतक के पहरावर में भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुजुर्गों की पेंशन की लड़ाई लड़ने वाले दादा दुलीचंद को बुलाया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात भी की जाएगी। नवीन जैन ने कहा कि पहरावर की जमीन पर दो दो सरकारों ने करीब 14 वर्ष तक कब्जा किए रखा, जिसका लोगों ने विरोध भी किया, इसलिए सरकार को वह जमीन देनी पड़ी। अब पहरावर की जमीन पर भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जैसा अयोध्या में राम मंदिर है, वैसा ही पहरावर में परशुराम मंदिर की महत्ता है। मुख्य रूप से जो आपको जानकारी देनी है, 23 तारीख का न्योता देने के लिए आए हैं और सभी गुड़गांव वासियों को 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा पहरावर रोहतक में, और पूरे हरियाणा लेवल पे, हरियाणा के अलावा दिल्ली, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर तक के जो लोग हैं इसमें पहुंचेंगे। और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो दादा दुलीचंद होंगे, जिनकी वजह से आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के करीब 2,00,000 बुज़ुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनी थी, जिन्होंने अपनी यात्रा बारात निकाली थी, वो दादा दुलीचंद। और इसमें हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, देसी घी का प्रसाद वितरण किया जाएगा, और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से परावर में परशुराम मंदिर की उस दिन नींव रखी जाएगी। पिछली बार परशुराम जयंती पर नेताओं द्वारा दिए जाने वाले दान की बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, जिस पर नवीन जैन ने कहा कि अभी तक किसी भी नेता ने घोषणा के अनुसार राशि नहीं दी। जब राशि मिलेगी तो उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा की जाएगी। नवीन जैन ने कहा कि भगवान परशुराम के कार्यक्रम में शिकायतों के लिए एक ढोल यानी शिकायत पेटी भी रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। उन्होंने शिकायतों का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भगवान परशुराम भी न्याय के देवता थे, इसलिए उनकी जयंती पर लोगों की समस्या का समाधान कराने पर ध्यान दिया जाएगा। और सबको हम ये अपील कर रहे हैं कि सब अपने घर से उस दिन आए तो एक एक ईंट भी लेके आए। इसके अलावा, क्योंकि भगवान परशुराम हर समाज के, कोई एक समाज के नहीं है, वो भगवान है, तो 36 बरादरी के सभी मिलकर इसको आयोजन कर रहे हैं और सबका न्योता चूल्हा न्योत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है इसमें हो रही है वो ये है कि वहाँ पे एक ढोल रखा जाएगा जो शिकायत पेटी होगी। शासन प्रशासन से जो लोग परेशान हैं वो अपनी शिकायत वहाँ जमा करा सकते हैं, ताकि उन शिकायतों के ऊपर उसके बाद लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे और अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया था। तो चाहे वो किसी भी, चाहे फैमिली आईडी के नाम पे परेशानी है लोगों को, चाहे बीपीएल कार्ड, चाहे पेंशन, चाहे अलग अलग इशू हैं सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर, तो उसमें भगवान परशुराम भोलेनाथ की कृपा से उसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करवाया जाएगा। महम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों पर बयानबाजी करने वालों पर नवीन जैन ने कटाक्ष किया और कहा कि जात पात की राजनीति ना करें, ओबीसी समाज की आड़ में ब्राह्मणों को सरकार की मिली भगत से गाली दे रहे हैं। पिछले दिनों भी ब्राह्मणों पर बयानबाजी करने वालों को बचकर भागना पड़ा था। जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं वे लोग लोगों की समस्याओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? तो हमारे लिए कोई मुख्य नहीं है जी, दादा दुलीचंद है, कोई मुख्य नहीं है, सब हर आदमी मुख्य है वहाँ पे। ना ना, क्या सांसद वांसद क्या होता है, कुछ नहीं होते सांसद वांसद, एमएलए पे एमएलए कुछ भाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हर मुख्य लोग हैं, क्योंकि वहाँ मुर्दा लोग तो कोई आएगा नहीं, मर्द आएंगे, बोधा कोई आएगा नहीं, योद्धा आएंगे, क्योंकि योद्धा इसलिए आएंगे कि वैसे तो सरकारी अलग अलग जगह सरकार खूब कोशिश करेगी, पिछली बार भी करी थी कि लोग वहाँ ना जाएं, लेकिन वहाँ योद्धा लोग पिछली बार भी गए थे और अब की बार जाएंगे, किसी नेता के, किसी पार्टी के चमचे या गुलाम तो वहाँ वैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए हर आदमी वहाँ पे मुख्य है। हमारे लिए कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी ये कुछ मुख्य माख्य नहीं है, ये कुछ होता नहीं होता है इनका, मैंने ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। नहीं, पर कांग्रेस तो जमीन को एप्रिशिएट तो करती है ना। कांग्रेस क्या करती है, एप्रिशिएट करती कि नहीं, ये उन्हीं की पहरावर की जमीन। कांग्रेस क्या, कांग्रेस ने खुद कब्जा कर रखा था उस पर, 8 साल से इन नकर रखा था
छह साल तो उनने कर रखा था। नवीन जी सारे बराबर हैं, चोर चोर मोशेरे भाई है। नवीन जी चबूतरा आपने बनाया, वहाँ एक कार्यक्रम भी पहले किया, तो उसके बाद सरकार का कोई उसमें विपरीत कोई तो देखा नहीं गया, तो अभी भी आपको लग रहा है कि ये कार्यक्रम में भी सरकार का कोई इस टाइप का नहीं दबाव होगा? नहीं, सरकार का तो इतना ही है, बस अगर लोग वहाँ पे ना पहुँचे। सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि वहाँ लोग ना पहुँचे, बाकी सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि उस जमीन पे आके कब्जा कर ले, ये नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हो चुका है? पहले हो लिया भाई। तो कहाँ कहाँ से लोग उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचे? भाई बता दिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जहाँ से अलग अलग फोन आए हैं, मैं तो वही बता सकता हूँ, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई हम भी आएंगे, और तो हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं।